हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। iOS 17.2 अभी काफ़ी लोगों ने इसको अपडेट भी नहीं किया है और यहां पर एप्पल ने एक और अपडेट रिलीज़ कर दिया है 17.3 पब्लिक बीटा 1, जिसको मैंने इंस्टॉल किया अपने आईफोन 13 में। मैं आपको बताऊँगा इस अपडेट में क्या कुछ नए फीचर्स हैं और यहां पर क्या कुछ परफॉर्मेंस कैसी हुई है पहले के मुकाबले। सारा कुछ जो है iOS 17.3 पब्लिक बीटा 1 में जो भी होगा सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी काम के वीडियोस मिलती रहें। यहां पर 17.2 का मैंने रिव्यू कर दिया, आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। मैंने क्लियरली बोल रखा है कि जो है 17.2 स्टेबल अपडेट बहुत अच्छा अपडेट है, खासकर आईफोन 14 के लिए आप जो है अपडेट कर सकते हो। जिनको बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है वो यहां पर एप्पल ने फिक्स कर दिया है। बात करते हैं 17.3 पब्लिक बीटा 1 में क्या कुछ नया मिला है। तो यहां पर गाइस इस अपडेट का जो साइज है काफी ज्यादा है, 6.08 GB का मेरे आईफोन 13 में, काफी बड़ा साइज है ये गाइस अपडेट का। बट यहां पर जब भी अपडेट बीटा अपडेट का कोई नया अपडेट आता है तो पूरी तरह से पूरा अपडेट जो है वापस से रीइंस्टॉल होता है। यहां पर इस अपडेट में क्या कुछ नए फीचर्स है वो मैं आपको यहाँ पर साफ साफ जो है बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो इसमें क्या कुछ नया मिला है। सो एक मोटा सा नया सा फीचर है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो अपडेट से पहले जो मेरे फ़ोन में बिल्ड नंबर था 17.2 का वो था 21C62 और यहाँ पर हम बात करें अपडेट से पहले इस फ़ोन में अवेलेबल स्पेस की तो वो था 86.31 GB का और जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 3.20.05। अपडेट से पहले इस फ़ोन में अगर मैं बात करूँ आईफोन स्टोरेज का क्या सीन था तो आया 17.2 का जो स्टोरेज था 10.98 GB और जो सिस्टम डाटा था वो था 7.25 GB। अपडेट से पहले मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है 89%, अभी कुछ दिन पहले 1% बैटरी हेल्थ जो वो और ड्रॉप हो चुकी है। तो 17.2 में 89% बैटरी हेल्थ थी यहाँ पर। अभी फ़ोन जो है मेरा पूरी तरह अपडेट हो चुका है तो यहाँ पर जो बिल्ड नंबर आया है नया है 21D5026 है, काफ़ी बड़ा बिल्ड नंबर है। जब भी कोई नया बीटा अपडेट आता है तो यहाँ पर बिल्ड नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो जाता है। अपडेट के बाद यहाँ पर अगर बात करूँ अवेलेबल स्पेस की 89.85 GB, यहाँ पर गाइस काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आप लोग देख सकते हो 86 था, अभी जो है स्टोरेज आपको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा जो है वो मिल जाता है। बात करें मॉडेम फर्मवेयर की तो वो भी चेंज होगा, 3.20.04 हो गया, यहाँ पर जो है पहले आई थिंक 5 था। तो यहाँ पर आपको जो है मॉडेम फर्मवेयर भी जी है थोड़ा सा चेंज जो है वो देखने को मिल जाता है। इससे पता चलता है कि कनेक्टिविटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। बात करें आईफोन स्टोरेज की 10.99 GB हो गया, सिस्टम डाटा थोड़ा सा कम हो गया जिसका फ़ायदा आपको इस अवेलेबल स्पेस में मिल चुका है। बैटरी हेल्थ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 89% पहले भी थी और अभी भी 89% बैटरी हेल्थ है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। ये हो तो हो गई बाई डिफॉल्ट जो होता है। बात करें नया क्या है इस जो है अपडेट में, जो खासकर मेन चीज़ है वो क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है नहीं वो क्या है, जब आप जाएंगे आप वैसे इस अपडेट को जब आप करेंगे तो आपको वैसे भी यहाँ पर साफ साफ एप्पल बता देगा क्या कुछ नया आया है। अगर आप वहाँ पर नहीं देख पाते हैं तो फेस आईडी एंड पासकोड में जाएंगे, यहाँ पर आपने आईफोन का पासवर्ड डाल के जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने फेस आईडी सेट कर की है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक नया फीचर जो देखने को मिलता है, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही काम का फीचर है। इसको यहाँ पर आपने अगर वहाँ पर ऑन नहीं किया अपडेट के बाद तो आप यहाँ पर आके भी इस जो है फीचर को ऑन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है गाइज, अगर आपका आईफोन जो है चोरी हो जाता है तो वो आपके आईफोन के जो भी पासवर्ड्स हैं वो बिना फेस आईडी के चेंज नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, ना ही वो आपके आईफोन के पासवर्ड चेंज कर सकता है, एप्पल आईडी का पासवर्ड भी नहीं चेंज कर सकता, काफ़ी सारे जो काम के फीचर्स हैं फाइंड माई डिवाइस है उसको भी डिसेबल नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रांग फीचर है, मेरे हिसाब से इसको पहले लाना चाहिए, बट यहाँ पर अभी ये टेस्टिंग फीचर में चल रहा है। जैसे ही ये सब कुछ स्टेबल हो जाता है, 17.3 स्टेबल अपडेट जब आएगा तब आपको ये अपडेट जो है वो ये फीचर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अभी स्टेबल अपडेट पर हैं तो आपको इसको जो है इसके इस फीचर्स के लिए आपको 17.3 पब्लिक बीटा इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको और कई प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो ये है सबसे मेन फीचर, आप इसका जो है लाभ उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में। बाकी क्या कुछ नया, कुछ भी नहीं है, हमेशा जो एप्पल अपना एप्पल म्यूजिक को इम्प्रूव करता रहता है। तो यहाँ पर कुछ कोलाबरेशन को लेकर के फीचर दे दिया है जो आपके काम के नहीं है, इन सब छोड़िए। अब बात करते हैं इस परफॉर्मेंस का क्या सीन है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का जो है सीन अभी आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अभी मैंने गीक बेंच के जो स्कोर्स हैं वो चेक किए हैं, आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। बेंच मार्क्स में जाएंगे, CPU में जाएंगे, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ
कि यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने कब किया था टेस्ट, यहाँ पर 6 दिसंबर को मैंने टेस्ट किया था जब यहाँ पर सिंगल कोर निकल गया था 2124 और मल्टी कोर निकल गया था 5432। और अभी क्या है गाइस, यहाँ पर 15 दिसंबर आज 2130 और यहाँ पर मल्टी कोर है 5381। तो मल्टी कोर थोड़ा सा जो है वो कम हो गया है और जो सिंगल कोर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 24 था 30 हो गया, मतलब 6 नंबर बढ़े हैं और वहाँ पर जो है काफ़ी नंबर कम हो गए हैं। बात करें यहाँ पर GPU स्कोर की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 दिसंबर को किया था 17923 था जो है GPU मेटल स्कोर, और बात करें आज की तो 17864। तो परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको स्लो महसूस होने वाली है 17.3 में, तो ये रहने वाला है सीन गाइस। बात करें कनेक्टिविटी का क्या सीन है, तो अभी फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चाहे मोबाइल डेटा हो ब्लूटूथ सारा कुछ सही तरीके से फीचर्स अभी काम कर रहे हैं। विजेट्स वगैरह जो है अभी ये गायब हो गया था, बाकी पता नहीं सही तरीके से काम करने हैं या फिर नहीं करने वाले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गाइस जो है वो होने वाला है। अगर मैं बात करूँगा इस बैटरी बैकअप का क्या सीन है तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने इसको अभी अपडेट किया है, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करूंगा, 2-3 दिन चलाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इस अपडेट में बैटरी लाइफ कैसी क्या जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और गाइज मैं ये भी कंपेयर करूंगा कि 17.2 स्टेबल अपडेट वर्सेस आई एफ 17.3 पब्लिक बीटा अपडेट कौन सा बेटर है आपके आईफोन के लिए, किसमें बैटरी लाइफ अच्छी है, किसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, वो सारा कुछ आपको आने वाले दिनों में पता चलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। खासकर आईफोन 13 और 14 यूजर्स के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए क्योंकि इन्हीं दो स्पेशल जो है फोन्स पे मैं जो है अपना जो अपडेट आते हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूं। तो यही दो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छे फ़ोन लग रहे हैं जो प्राइस बजट के हिसाब से, इसीलिए मैं इन पर वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा बनाता हूँ। बाकी गाइस अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बात करें गाइस ये अपडेट आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप पब्लिक बीटा अपडेट यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो ताऊ, क्योंकि जो है इस अपडेट में क्या कुछ बैटरी लाइफ कैसी मिलेगी वो भी नहीं पता है, 2 दिन यूज़ करूंगा तभी आपको मैं बता पाऊंगा। नहीं तो 17.2 स्टेबल अपडेट जो है काफ़ी अच्छा है, पब्लिक बीटा भी अपडेट काफ़ी अच्छा था उसमें बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल रही थी, कहीं ऐसा ना हो 17.3 में पब्लिक बीटा में बैटरी लाइफ खराब हो जाए। तो 2-3 दिन में यूज़ करने वाला हूँ, उसका रिव्यू करूँगा तब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। तब तक आप लोग जो है मेरी वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि जब मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो यही थी मेरी वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।